जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी चैनल आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आईटीआई के एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप आईटीआई के फर्स्ट ईयर में हैं या आईटीआई के सेकेंड ईयर में हैं, तो आपकी परीक्षा कब होगी उसी पे चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप आईटीआई का एग्जाम देने वाले हैं तो अनिल सर आईटीआई ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनिल सर आईटीआई। वहां पर आपको सेम लोगो का आपको अनिल सर आईटीआई ऐप मिलेगा, डाउनलोड करिएगा। वहां पर आपको स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा और वही सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आईटीआई के एग्जाम के बारे में। आपको बता दें दोस्तों, जिन्होंने भी 2023 में एडमिशन लिया हुआ है और उनका सेशन जो होगा 23 से 25 होगा, जो भी दो साल के ट्रेड है। अगर किसी का एक साल का ट्रेड है जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया, तो उनका सेशन होगा 2023 से 24 या 2023 से 25। सभी कैंडिडेट का फर्स्ट ईयर का एग्जाम जुलाई में होने वाला है। 14.5 लाख कैंडिडेट है जो इस साल फर्स्ट ईयर के एग्जाम में बैठने वाले हैं। और अभी तक देखिया तो सभी का रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। डीजीटी ने अभी आदेश दिया है कि अभी इस अप्रैल तक, पूरे अप्रैल तक सभी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हो जाए। लगभग 5 से 6% कैंडिडेट अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। लगभग सभी का जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के कगार पर पहुंच चुका है। इस महीने में लगभग सभी का रजिस्ट्रेशन भी हो ही जाएगा, ठीक है। तो आपका हम डेट भी बताएंगे, अभी चिंता मत करिए, अब आगे डेट के बारे में बात करेंगे। तो लगभग 14.5 लाख कैंडिडेट आपके साथ एग्जाम में फर्स्ट ईयर में बैठने वाले हैं। 2022 से 24 जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया था, उनका फाइनल ईयर यानी सेकेंड ईयर का एग्जाम जो है जुलाई 2024 में होने वाला है, सेकेंड ईयर का। तो आप बताइए नीचे कमेंट करके कि आपका सेशन कौन सा है, ठीक है। आईटीआई के एनसीबीटी का एग्जाम कब होगा उसी पे चर्चा करेंगे। जो भी ऑल इंडिया के कैंडिडेट है जो एनसीबीटी से अफिलेटेड आईटीआई में पढ़ते हैं, उन्हीं के पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए आईटीआई का सेशनल मार्क्स और अटेंडेंस भरा जाता है, ठीक है। तो सेशनल मार्क्स और अटेंडेंस जो है जून 2024 से भरना शुरू होने वाला है, ठीक है। पूरा अप्रैल फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट का जो है अभी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मई आपका सब इसके लिए तैयार करेगी डीजीटी और माइग्रेट भी करने वाली है एनसीबीटी पोर्टल पर, उसको माइग्रेट करेगी। जून में जाकर के जून 2024 में आपका सेशनल मार्क्स और अटेंडेंस भरा जाएगा, ठीक है। जून 2024 में ध्यान रखिएगा। और ये काम जो है आपके आईटीआई का है, वो आईटीआई कर लेगी, आपको इंटरफेयर नहीं करना। बस आपका अटेंडेंस होना चाहिए आईटीआई में 80%, ताकि आपका जो है एग्जाम का के लिए एडमिट कार्ड आ सके। 80% से कम अटेंडेंस होता है और सेशनल मार्क्स में अटेंडेंस में 80% से कम अटेंडेंस और आईटी भर देता है तो आपका एग्जाम नहीं होगा, एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, ठीक है। आगे बात करें एग्जाम, उसके बाद जो है अटेंडेंस और सेशनल मार्क्स अपलोड करने के कुछ ही दिनों के अंदर जो है प्रैक्टिकल और सीबीटी एग्जाम का जो है फीस भी पेमेंट हो जाता है। प्रैक्टिकल के लिए 200 रुपए और सीबीटी एग्जाम के लिए 376 रुपए का पेमेंट होता है। लगभग 576 रुपए का पेमेंट आपका आईटीआई में लगेगा एग्जाम को लेकर के, ठीक है। और ये तो ऑफिशियल है, बाकी जो है आईटीआई अपने प्राइवेट आईटीआई अपने अनुसार भी फीस लेती है, उसका अलग हो जाता है, ठीक है, बाकी वो उनकी बात है। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आपका जुलाई 2024 में होगा। उम्मीद करते हैं कि जुलाई के सेकेंड वीक में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। पहले पिछली बार तो 3 जुलाई से स्टार्ट हो गया था, इस बार जो है आपको 7 या 8 जुलाई से एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा। और एग्जाम प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा जो कि 2 दिन आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट ईयर का 2 दिन का, सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा, ठीक है। हालांकि एक ही दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन 2 दिन दिया था कि अगर कहीं पर ज्यादा बच्चे होते हैं तो एक दिन में एग्जाम नहीं कंप्लीट हुआ प्रैक्टिकल का, तो आपको दूसरे दिन भी हो सके। प्रैक्टिकल में 3 तरह का एग्जाम होता है। प्रैक्टिकल में पहले तो लिखवाया जाएगा, ठीक है, फिर वो भाईभा भी होता है, तो और आपका हाँ भाईभा होता है और प्रैक्टिकल रिटेन प्रैक्टिकल और भाईभा 3 तरह एग्जाम में होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे होता है उस पर एक वीडियो बना दें तो नीचे कमेंट करिएगा, हम पूरी तरह से क्लियर करके आपको प्रैक्टिकल पे भी वीडियो डाल देंगे। सीबीटी एग्जाम की चर्चा करें तो प्रैक्टिकल का एग्जाम खत्म होने के 10वें दिन, जैसे 7 से और मान लेते हैं तो हमारे 15 तारीख तक आपका प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा, तो 25 तारीख 20 से या 25 तारीख के बीच में आपका सीबीटी एग्जाम शुरू हो जाएगा। सीबीटी एग्जाम 2 दिनों का होता है, थ्योरी का अलग होगा और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपका अलग होगा। थ्योरी में ही आपका इंजीनियरिंग ड्रॉइंग और
और इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6-6 क्वेश्चंस रहेंगे, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अलग से रहेंगे। हो सकता है कि आपका एक साथ ही एग्जाम हो जाए थ्योरी और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, या हो सकता है कि आपका अलग अलग दिन आपको 2 दिन आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाए। अब ये डिपेंड करता है कि इस बार एग्जाम के लिए क्या शेड्यूल क्या डीजीटी निर्धारित करती है, वो एडमिट कार्ड से ही पता चल पाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपका एग्जाम जब होता है तो एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आएगा। ठीक है, तो एग्जाम से आपके 5 से 6 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी होंगे, ज्यादा दिन पहले नहीं जारी होगा। अब बात करें एग्जाम तो आपका मान लीजिए, और एक बात, सीबीटी एग्जाम सबका एक ही दिन नहीं होता है, ये फेज वाइज एग्जाम होता है। तो हो सकता है कि आपका एग्जाम अभी हो तो आपके दोस्त का एग्जाम 10 दिन बाद भी हो सकता है। ये एग्जाम लगभग आपका एग्जाम 1 महीना तक चलता है। ठीक है, ये एग्जाम आपका अगस्त तक चलेगा और ये अगस्त 20 अगस्त तक आपका एग्जाम चलने वाला है, और रिजल्ट आपका 29 या 30 अगस्त या लास्ट सितंबर में भी, 1 या 2 सितंबर तक भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और सर्टिफिकेट की बात करें तो आपका सर्टिफिकेट एग्जैक्ट डेट 17 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, जो कि विश्वकर्मा पूजा है, उस दिन आपके हाथ में मार्कशीट और सर्टिफिकेट रहने वाला है। फर्स्ट ईयर का मार्कशीट रहेगा, और जो 2022 से 2024 के कैंडिडेट है उनका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का मार्कशीट या और सर्टिफिकेट आपके हाथ में रहेगा। और 1 महीने के बाद आपके पास रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और रेलवे ग्रुप डी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आईटीआई के एग्जाम का शेड्यूल, उम्मीद करते हैं आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। और एक बात का ध्यान रखिए, 2022 से 2024 के कैंडिडेट, ठीक है, आपको हम बताना चाहेंगे 2022 से 2024 के जितने भी कैंडिडेट हैं सब ध्यान से सुन लीजिएगा। इस बार आपको किसी भी तरह से किसी भी हाल में आपको आईटीआई पास हो जाना है, किसी भी तरह का बैक की कोई गुंजाइश नहीं है। बैक होंगे तो आपका रेलवे ग्रुप डी छूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से तैयारी करिएगा ताकि आपका फर्स्ट ईयर, मान लीजिए किसी का बैक लगता है जिसका, मान लीजिए 2023 से 2025 के कैंडिडेट है, हम नहीं चाहते, लेकिन मान लीजिए किसी कारणों से अगर आपका बैक लग गया तो कोई चिंता का विषय नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। आपका नवम्बर में फिर एग्जाम होगा, जो सप्लीमेंट एग्जाम होगा बैक पेपर का एग्जाम, उसमें एग्जाम दे करके पास हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड ईयर का एग्जाम तो 2025 आपका हो ही जाएगा, लेकिन 22 से 24 के कैंडिडेट जितने भी हैं उनको फेल होना ही नहीं है। फेल हो जाएंगे तो रेलवे ग्रुप डी आपका छूट गया। ठीक है, तो ये हिदायत हम देना चाहते थे आपको। अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, अनिल सर आईटी ऐप पर सभी चीजें अवेलेबल है जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको एग्जाम के पहले काफी सारे मटेरियल्स देंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।